छत्तीसगढ़ में नेशनल हाईवे क्रमांक 130A बिलासपुर तखतपुर मुंगेली पंडरिया पौंडी में टू लेन बाईपास निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी गई है। इसके लिए केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने 351.19 करोड़ रुपए बजट भी जारी कर दिया है। नेशनल हाईवे में बाईपास निर्माण होने के बाद रायपुर जबलपुर फोर लेन से जुड़ जाएगा। नेशनल हाईवे में पेंड्री टी सेंद्री फोर लेन बाईपास सकरी चौक से रायपुर जबलपुर फोर लेन को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130 में तखतपुर मुंगेली पंडरिया पौड़ी तक टू लेन का तीन फेस में काम चल रहा है। इसके तीसरे और अंतिम चरण में तखतपुर मुंगेली पंडरिया और पौंडी में बाईपास का काम अटका हुआ था। बाद में केंद्र से स्वीकृति मिलने के बाद 351.19 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति की गई। इस बाईपास का बन जाने से रायपुर और जबलपुर की कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और छत्तीसगढ़ के दो बड़े जिले रायपुर और बिलासपुर अच्छी तरीके से जबलपुर से कनेक्ट हो जाएगा। रायपुर से जबलपुर की दूरी करीबन 350 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में लगभग 7.5 घंटे का समय लग जाता है। इसे नेशनल हाईवे 30 द्वारा बेमेतरा कवर्धा मंडला होते हुए जबलपुर की दूरी तय की जाती है। इसी नेशनल हाईवे में पंडरिया बाईपास रोड को कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे बिलासपुर से मुंगेली होते हुए पंडरिया बाईपास से जबलपुर जाने में आसानी होगी। वैसे तो जबलपुर से बिलासपुर की दूरी 317 किलोमीटर है, जहां पहुंचने में करीबन 7 घंटे का समय लग जाता है। ऐसे ही नेशनल हाईवे का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।